हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपके सामने रखे हैं दो कार्पेटर। ये दोनों ही प्लेटिना के हैं। एक तो इनमें जेनमेन है और एक लोकल है। अब हम देखते हैं कि जेनमेन की क्वालिटी और लोकल की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है और एमआरपी क्या है। क्योंकि जेनमेन ऐसा है, कई बार लोगों को, कुछ मकैनिक हैं जिन्हें काफ़ी लोगों को तो पता है कि जेनमेन क्या रेट का आता है क्या नहीं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो सोचते हैं कि काफ़ी महंगा आता होगा जेनमेन। आज हम इसी पे बारे में बात करते हैं कि जेनमेन क्या रेट का आता है। ये देखिए आप, ये है कार्बेटर प्लेटिना का जेनमेन। इस पे देखिए, इसका कोड है DZ121006 और इस पे एमआरपी है 1484। ये देखिए, जेनमेन को देखे हुए कोई एमआरपी ज़्यादा नहीं है इस पे, प्लेटिना के जेनमेन कार्बेटर पे। फिर भी कंपनी ने हिसाब से बनाया, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर इसके और पार्ट्सों की बात करें बजाज के, तो चैन सेट देखिए, ₹1000 के समथिंग तो चैन सेट ही आ जाता है इसका। वो चीज़ें महंगी कार्बेटर के मामले में। कार्बेटर जो है, तो बजाज वालों ने प्लेटिना कार्बेटर कोई ज़्यादा महंगा नहीं बनाया और सही रेट में बनाया है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हम इसको, इसकी क्वालिटी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, बजाज की पिन्नी में निकला है कार्बेटर। ये है जेनमेन। और अब देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी तो जेनमन तो होती ही एक नंबर है क्वालिटी। और ये देखिए, इस पर कुछ कोड वाई भी पड़े हैं, AG1E2AQC। और ये देखिए, कंपनी ने अपने मार्का भी लगा रखा है, टेस्ट का मार्का। ये देखिए, यहाँ पर सब जगह मार्का। और ये देखिए, ये बजाज का जेनमन कार्बेटर है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी इसकी नंबर वन क्वालिटी है। जेनमेन तो मालूम ही है कि जेनमेन चलता है। बेहतर तो यही है कि जेनमेन ही डालें अपनी बाइकों में कार्बेटर, क्योंकि लोकल से कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। लोग कुछ ये सोचते हैं हमारे मैकेनिक भाई के, जैसे प्लेटिना कार्बेटर बहुत महंगा होगा। काफ़ी मैकेनिक जो है, उनको पता भी है क्या रेट का आता है क्या रेट का नहीं है। कोई महंगा नहीं है, MRP इस पर ₹1484, कोई महंगा नहीं है, सही है। बजाज वालों ने सही रेट में बनाया, ये कोई महंगा नहीं बनाया। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं लोकल वाले कार्बेटर की। और ये देखिए, ये रहा आपके सामने लोकल कार्बेटर। और इसकी क्वालिटी देखें, क्वालिटी इसकी भी ठीक है, मगर ये जेनमन को कंपेयर नहीं कर सकता। इसकी क्वालिटी में इतना मस्त क्वालिटी नहीं है। इसको लोकल कार्बेटर को हम नहीं कह सकते कि ये जेनमन की को टक्कर दे सकता है या कंपेयर कर सकता है। ये लोकल तो लोकल है। ये देखिए, और ये भी बनाते हैं, चाइना बनाती है ये कार्बेटर। ये देखिए आप, ये चाइना बनाती है कार्बेटर, अपने इंडिया में नहीं बनते हैं ये लोकल कार्बेटर। यानी कि आप अगर अपनी बाइकों में डालें तो जेनमन डालें, बेहतर है। ये देखिए आप, ये इसका डब्बा है और ये चाइनीज़ कंपनी बनाती है कार्बेटर। और इस पर देखें हम, कोई MRP है नहीं है, MRP वगैरह कुछ भी नहीं है इस पर। तो ये समझ लीजिए आप, ये चाइना कार्बेटर है, चाइनीज़ बनाती है। गारंटी तो देखिए किसी की भी नहीं आती, ना ये जेनमन है इसकी आती है और ये लोकल है इसकी तो आती नहीं है। मगर ये है कि जेनमन तो भी चलता है, सालों साल चलता है, जेनमन तो ख़राब ही नहीं निकलते। मगर ये चाइना ख़राब निकल जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी कोई वापसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपनी बाइक में, कोई भी मैकेनिक भाई है, कोई भी कस्टमर है, अगर कार्बेटर पड़वाना चाहते हैं तो कार्बेटर जो भी है जेनमन ही डालें, वो बेहतर है। क्योंकि जेनमन कोई महंगा नहीं है, जेनमन देखा जाए तो काफ़ी सस्ता कार्बेटर है, इतना महंगा कार्बेटर नहीं है इसका, वही बेहतर रहेगा। आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम इसकी बनाएं और MRP देखें क्या MRP है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें रेटों का अंदाज़ा नहीं है कि जेनमेन क्या रेट के कार्बेटर हैं क्या रेट के नहीं है, तो कुछ लोकल ख़रीद लेते हैं, मार्केट में से लोकल डाल देते हैं। तो बेहतर यही है कि हम अपनी बाइकों में जेनमेन कार्बेटर डालें, ठीक है भाई लोगों। आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनानी थी। और ये देखिए, इसका डब्बा है, जेनमन तो जेनमन ही होता है, जेनमन की क्वालिटी। या तो स्पाइको का कार्बेटर आता है, वो भी जेनमन होता है, वो भी डाल सकते हैं, मगर स्पाइको के डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। जब हमारा जेनमन ही महंगा नहीं है तो हमें स्पाइको का कार्बेटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेनमन ही डालें, वही बेहतर है। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों।